खबरों का रुख करते हैं कराची की तरफ, जहां एबीसी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दानिश चांद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने और पार्लियामेंट में मखसूस नशस्त देने के खिलाफ पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मुजाहरा किया। शुरुआत ने बोर्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुकर्ररीन ने कहा कि अदालत का ये फैसला आइन का कत्ल और नाइंसाफी है। इस फैसले से पता चलता है कि अदालत के फैसले अवामी दबाव पर किए जाते हैं। पीटीआई ने जो मांगा नहीं वो भी इसको दे दिया गया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ये सरासर ज्यादती है। शुरका ने नारेबाजी भी की। एहतजाजी मुजाहरे में उलमा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।